इंसानियत का भरोसा उड़ गया मेरा। अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन का फिनाले नहीं देखा, ये वीडियो अभी के अभी छोड़ दो, इसी टाइम छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत तगड़े और गंदे ब्लूपर्स देने वाला हूँ। ब्लॉपर्स ब्लाउज दे दूं तुम्हें सालों में? आप दो ना, आप दो ना। 3 सेकंड दे रहा हूँ, 1, 2, 3 हो गए, चलना निकल लो अभी। बहुत मैं भड़का हुआ हूँ भाई, गॉड, जिंदगी बर्बाद हो गया। जिंदगी में बहुत तरीके के हरामी लोग देखे, बट ब्रैंडन स्टार्क इतना हरामी मैंने कहीं नहीं देखा। पिछले 2 सीजन से लोगों को चूतिया बना रहा है कि मुझे विंटरफेल नहीं चाहिए, मैं राजा नहीं बनना चाहता। लालची था साला, हम सोचा कितना अच्छा सज्जन पुरुष भला मानुष है, ये तो हरामी निकला। साला सीधा बोल देता ना, मुझे एक नहीं सातों चाहिए एंड टाइम तक, पूरे मतलब दिल पे हाथ रख के बताओ उसने उखाड़ा क्या जिंदगी में। वो तो खुद का नहीं उखाड़ सकता, मतलब कर क्या, कौन बोला? मैं नहीं बोला, बहुत गंदा जोक है। आज तक तुम्हें लगता होगा लड़कियां पागल बनाती है? नहीं भाई, जितना ब्रांड ने पागल बनाया ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती। पूरे टाइम कुछ नहीं किया, साइड हो गया कि हाँ मेरे को चाहिए नहीं, मैं तो सज्जन पुरुष हूं। मैं पास तो देखा, पास जॉन स्नो, डेनेरिस, सर्सी, सब लड़ते रहे आपस में, हैवी काम सारे उन लोगों ने उठाए। एंड में हाँ, अरे वो का मुकुट का लव लव मैं पहने, अब मैं साला आरामी। अरे नो डाउट यार, पूरे टाइम वो शांत क्यों रहा, कहीं निकल ना जाए मुंह से कुछ उल्टा सीधा। आरामी साला, हर लाइन के बाद बोलू आरामी साला। जॉन स्नो को बोलता है, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज्ड टू बी। अबे ठीक है चल मान लिया, तू नहीं है वहां पे जहां पे तुझे होना चाहिए। आरामी साला, टीरियन को मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। लोगों को स्टोरियां पसंद है, और सबसे अच्छी स्टोरी ब्रैड। अरे नहीं, मेरे से पूछ तो सही, मेरे से बेटर स्टोरी कोई नहीं बता सकता साले, मुझे राजा बनाएगा तू, चल। सबसे फनी चीज यही लगी थी कि टीरियन बोलता है कि हाँ इसको राजा बनाते हैं, उस पे सांसा कूद के बोलता है ऐसे कैसे बना रहे, इसको तो खड़ा भी नहीं होता। आपे उसे रात चलाने खड़ा नहीं करना अपना, साले पॉन देख रहे हो यहाँ पे मैं। भाई साहब हम सोचते थे अपने तो अपने होते, यहाँ पे अपने ही कमीने होते हैं, निकल गया अपने ही कमीने होते हैं। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू बी, साला हरामी। नहीं है कौन तू? नहीं मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ, है कौन तू? है तू भगवान है, परमात्मा है तू? मतलब तू कैसे बोल रहा साले? तूने जिंदगी में क्या उखाड़ा मेरे भाई, पहले मुझे ये बता। बस एक चीज उखाड़ी, दो चीजें करी हैं, एक तो लंबी बिल्डिंग से गिर के जिंदा रह गया, और बस पूरे टाइम जिंदा रह गया। एक ही चीज करी है, पूरे टाइम जिंदा रह गया, एक ही काम किया उसने और कुछ नहीं। जॉनी को बोलते मेरे जॉनी सिन, आई मीन जॉन स्नो को, कौन है ये लोग? मतलब तुम्हें देखना बदलते रिश्ते कैसे दो भाई। जब ब्रांच से पूछता है ना कि हाँ राजा बनेगा, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पे आया क्यों? अबे इतनी जल्दी तो क्रिकेट भी रंग नहीं बदलता साले, क्या लगता भाई हिलाने आया मुझे, क्या बन के आया तू? और एक मिनट, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैं ब्रांड को जबरदस्ती की गाली दे रहा हूँ, नहीं, पूरे टाइम उसको पता था कि वो राजा बनेगा, फिर भी जॉन स्नो को बताया कि नहीं भाई तू असली है, तू लीगल बच्चा है, तुझे राजा बनना चाहिए, तेरा हक बनता है, उस डैनी का नहीं बनता, डैनी डोंगजापा का नहीं बनता, तेरा बनता है। ये जानते हुए कि इंडियन खुद राजा बनना उसे, इसे हरामी बननी कहते तो क्या कहते हैं? मतलब लिटरली जॉन स्नो वॉच में था, वहां से निकला, मर के दोबारा निकला, सांसा को बचाया, पूरे घर को, तेरी फैमिली को रियूनाइट किया, अपने ही कमीने होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अरिया, अपनी अरिया, भाई लड़की ने शेफ्ट शिफ्टिंग सीखी, सारे ईवल को मारा, अपना वाइट वॉकर चचा मरे, उसको किसने मारा? अपनी अरिया। और राजा कौन बनेगा? हरामी साला, अरिया भी हरामी निकली। मान लिया एक अननोन औरत ने तेरे को बोला था तो बहुत लोगों को मारेगी, ब्लू आईज, ब्राउन आईज, ग्रीन आईज। अब ग्रीन आईज नहीं मिला तो क्रिस्टोफर कोलंबस बन के निकल गए कहीं और। ए, हरी आंखें हैं तेरी, हरी आंखें, देख हरी आंखें कहाँ मिलेंगी, दिखाओ, मारूंगी साले को मैं। अबे वो मजाक कर रही थी आंटी, वो खुद मर चुकी है जिसने बोला था, तू क्यों कल कोलंबस बन रही है? कोलंबस छुट्टी है आई। मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आर्या को फिनाले का एपिसोड मिला होगा तो कहती ठीक है यार, ब्लू भी मार दिया है, ब्राउन भी मार दिया है, ऐसा एपिसोड करने से बेटर थोड़ा बूट वूट चला के आती हूँ मैं दूर से, साले कम से कम गालियां पड़ेंगी। और सांसा तो सबसे बड़ी हरामी, मुझे पहले दिन से ही पता था सबसे बड़ी हरामी सांसा ही थी, उसको इंडियन बनना क्या था, राजा, सॉरी रानी, राजकुमारी तो थी वो, रानी बनने का बचपन से शौक था उसको, मतलब मुझे बचपन से शादी का शौक है वो वाला हिसाब था उसका, क्योंकि उसको रानी बनना था। इन द एंड जॉन स्नो को वापस नाइट वॉच भिजवा दिया ताकि खुद रानी बन सके, और साली
जब ब्रांड को राजा बनाते थे शक्ल देखी तुमने उसकी, 12 बज गए थे उसके वे। मैं बता रहा हूँ स्टार्क जैसी फैमिली होनी नहीं चाहिए साला। जॉन स्नो टाइप ठीक है बंदे यार, और मैं तो कहता हूँ जॉन स्नो भी छोड़ो बे, सबसे बढ़िया वो ड्रैगन था यार हमारा। मतलब इतना इमोशनल सीन, डैनी मरी पड़ी है, ड्रैगन आके भागने की कोशिश कर रहा, बच्चे के सामने मां मार दी तुमने, बच्चा देखता है सामने चेयर जो मम्मी को चाहिए थी, मम्मी तो रही नहीं, चेयर को जला दिया साले ने, चेयर जला दी। मेरी मां ना वर्ड भाई तो किसी को नहीं बैठने देंगे, तुम्हारी मां का पकौड़ा। मेरे को लगता है पूरे सीरीज में ना सबसे स्मार्टेस्ट बंदा मुझे ड्रैगन ही लगा है। 8 सीजन पहले तुमने एक बार ड्रैगन को, बस एक बार वो चेयर देखी तुमने, जला के खाक कर दी। अब बहुत सालों तो बैठो आयरन थ्रोन पे, है ही नहीं, बच्चा ही नहीं, स्टॉप इट। और एक वो बहन चल हमारा टीरियन जब रो रहा था यार, बड़ा इमोशनल सीन था, जब ब्रेन ने लिख रही जैमी लेनिस्टर की कहानी कंप्लीट करी, इमोशनल, वे टू इमोशनल। बट सीरियसली मैं जॉन स्नो के लिए बहुत बैड फील कर रहा है, बहुत ज्यादा, जरूर से ज्यादा बैड फील कर रहा हूँ। मतलब इतना कुछ किया उस बंदे ने, इतना कुछ किया, इतना जेन्युइन बंदा, एंड में क्या मिला उसे? कुछ भी नहीं, जो सीजन 1 में दे दिया था उसको वापस सीजन 8 में उसको वही हैंड ओवर कर दिया। मतलब एक पिटिशन साइन हो रखी है सीजन 8 के लिए कि दोबारा बनाओ ये मतलब सीरीज, और आज मुझे समझ में आ गया वो फाइनल फिनाले देख के इतना डिसअपॉइंटिंग है। इवन मेरे को नहीं लगता कि इकलौता मेरा रिएक्शन, मुझे लगता बहुत लोगों का होना चाहिए। बट अगेन यार ये मेरे ओपिनियन, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा तुम लोग क्या सोचते हो। सदमे में हूँ यार मैं, एक सदमा यहाँ लग गया, दूसरा सदमा मुझे लग रहा बहुत तगड़ा लगेगा इलेक्शन रिजल्ट आने वाले। उस टाइम के उस टाइम देखेंगे। बट अभी के लिए तुम मुझे बताओ तुम्हारे क्या रिएक्शन, अगर तुमने वो एपिसोड देखा है, और अगर तुमने वो एपिसोड नहीं देखा लेट मी नो कितना स्पॉइलर दे दिया है मैंने तुम्हें, समझ गए नहीं तो लाइक कर देना बस। चलो इसी नोट पे कहीं जो पॉइंट होगा ये एपिसोड यहीं खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोग एंजॉय किया। मैं लेट चल रहा हूँ और मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा इसे। आई होप मैं आज 11 ना बजा वो देखते हैं, अगर आज 27 समय पे हो गया ना तो कल से पक्का 9 से 10 के बीच में करेंगे, समझ गए। चलो पीस। कमीने होते हैं अपने ही कमीने होते हैं, समझ। मैं